ब्रिटिश जादूगर डायनेमो ने अपने अमेजिंग टैलेंट और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से दुनिया भर में दर्शकों को अपना फैन बनाया है। फिजिक्स के लॉज को चैलेंज करने की उनकी एबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कम नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम भी डायनेमो के कुछ हैरत अंगेज परफॉर्मेंसेस देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे जादू उन्होंने कैसे किए होंगे। तीसरे नंबर पे है डायनेमो की मिंट इन द आई ट्रिक। इस स्ट्रीट मैजिक एक्ट में वो एक लड़की को कुछ मिंट की गोलियां खाने को ऑफर करते हैं और उनमें से एक मिंट की गोली वो ले लेते हैं। फिर वो उस गोली को लेकर अपने कान में डाल देते हैं। उसके बाद वो उस लड़की की एक फिंगर के हेल्प से अपने आँख के पास प्रेस करते हैं और वो मिंट की गोली उनके आँख से बाहर निकल आती है। दोस्तों, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये ट्रिक बहुत ही खतरनाक है और आप इसे खुद से ट्राई ना करें। अब समझते हैं कि ये ट्रिक इन्होंने कैसे किया। दोस्तों, आप इन तीन चीजों को नोटिस कीजिए। ट्रिक की शुरुआत से ही डायनेमो ने गॉगल्स पहना रहता है। जब डायनेमो मिंट को कान में डालने वाले होते हैं, उसके ठीक पहले उनका हाथ कैमरा रेंज से बाहर हो जाता है और जब डायनेमो लड़की से पूछते हैं तो लड़की कुछ भी रिस्पांस नहीं करती। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि इनमें से कोई भी बंदा इनका स्टूज यानी हेल्पर नहीं है सिवाय इस कैमरामैन के। अब दोस्तों, यहाँ उनके हाथों को कैमरा रेंज से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वो फॉल्स ट्रांसफर करते हैं और मिंट अब भी उनके लेफ्ट हैंड में ही होता है और यहाँ उनके राइट हैंड में कुछ भी नहीं। यहाँ भी वो बस एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी आंख में से मिंट कैसे बाहर आ गई? दोस्तों, उनकी आंख में मिंट शुरुआत से ही थी, जिसे कवर करने के लिए उन्होंने गॉगल्स पहना हुआ था। एक्ट शुरू होने के ठीक पहले उन्होंने अपने आंख के निचले हिस्से में एक मिंट की गोली को रख लिया था इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे डायनेमो की इम्पॉसिबल लीनिंग एक्ट। दोस्तों, इस ट्रिक में डायनेमो अपने बॉडी को धीरे धीरे पीछे की ओर लीन करने लगते हैं और जल्दी ही एक इम्पॉसिबल लीनिंग पोजीशन में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक को मूवी में और रियल लाइफ में करना काफी अलग है। अब समझते हैं कि ये ट्रिक इन्होंने कैसे किया। दोस्तों, डायनेमो ने अपने चिनोज के नीचे स्पेशली इनके पैर के शेप में डिजाइन लोहे की हार्नेस पहनी हुई है। ये हार्नेस घुटनों के पास फोल्डेबल है जिससे इन्हें मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती। इस हार्नेस का बेस इनके जूतों के शेप एंड साइज का बनाया हुआ है ताकि ये इनके जूतों से कवर्ड रहे। इस सोल में क्लिप्स लगाए हुए हैं जो इस बेस से अटैच हो जाते हैं और फाइनली इस बेस को जमीन में बोल्ट कर दिया गया है। अब डायनेमो स्टोरी टेलिंग से ट्रिक की शुरुआत करते हैं और जब कैमरा इनकी पैर की ओर नहीं होता है उसी दौरान ये अपने जूतों को इस बेस में अटैच कर लेते हैं और अपने बॉडी को पीछे की ओर लीन करने लगते हैं, जिससे कि हमें ये अविश्वसनीय जादू देखने को मिलता है। दोस्तों, लंदन की सड़कों पर डायनेमो सिर्फ एक हाथ से एक डबल डेकर बस से लटके हुए दिखाई देते हैं। जहां भी वो जाते हैं, इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। अब सवाल आता है कि ये ट्रिक इन्होंने कैसे किया। दोस्तों, इसका राज काफी सिंपल है। अगर आप नोटिस करेंगे कि इनकी पूरी ट्रिक में इनके हाथ यहां तक कि इनके फिंगर्स में भी जरा सी भी मूवमेंट नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक फेक आर्म है जो इनके असली हाथ की तरह ही दिख रहा है। एक स्ट्रॉन्ग मेटल रॉड को हाथ जैसा लुक देकर बस में सील किया हुआ है और ये इनकी बॉडी से एक हार्नेस के जरिए अटैच्ड है। इनका असली हाथ इनके कपड़ों के नीचे इनकी बॉडी से टाइटली होल्ड किया हुआ है। इनका रियल हैंड विजिबल ना हो इसके लिए इन्होंने काफी लूज कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इनके कपड़ों में बम्प देख सकते हैं। इस ट्रिक को और ज्यादा क्रेडिबल बनाने के लिए वो अपने दोनों पैरों में मूवमेंट करते रहते हैं और अपने लेफ्ट हैंड से मोबाइल भी यूज करते हैं ताकि लोगों का ध्यान उनके फेक हैंड की तरफ न जाए। डायनेमो को बस पर चढ़ने और उतरने के लिए स्ट्रिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे क्लियरली दिखाया नहीं जाता। एक और बात दोस्तों कि ये बस भी कोई रैंडम बस नहीं है, इस एक्ट में बस का ड्राइवर भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थे डायनेमो के कुछ हैरान कर देने वाले मैजिक ट्रिक्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगर आपको ऐसे ही मिस्ट्री अनरैवल करने वाले वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो आप किस मैजिशियन की देखना चाहते हैं कॉमेंट करके मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।